संत हमारे बीच में उपस्थित है। आज हमारे अम्मा विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा और भूपेंद्र यादव जी सिर्फ सरकार के मंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता भी हैं। वे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं और आज मध्य प्रदेश में जब चुनाव होने जा रहा है तो दिल्ली से हमारे चुनाव प्रभारी के रूप में भी भूपेंद्र यादव जी आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आज ग्वालियर में सहभागी बैठक है, उस बैठक में उन्हें आना था तो मैंने उन्हें अनुरोध किया कि थोड़े हमारे चंबल के ऊपर खबर क्षेत्र को भी आपके दर्शन हो जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं आभारी हूँ, भूपेंद्र यादव जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और आज यहाँ वो हम सब के बीच में उपस्थित हुए। मैं बहुत लंबी बात आप सबके मध्य नहीं करूंगा। पिछले बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा के चुनाव में मैं आप सबके बीच में आया था और उस समय परिस्थितियां भी प्रतिकूल थी, लेकिन फिर भी आप सबने भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश जी को भारी भारी बहुमत से आप सबने जिताया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से पूरे प्रदेश में विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, नवंबर में चुनाव होने वाला है। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि सरकारें तो कांग्रेस की भी रही और सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की भी रही, लेकिन आज अम्बा कोरसा में अगर कोई भी विकास का काम हुआ है तो वो विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही हुआ है। कमलेश जाटव जी भी यहां उपस्थित है। पिछले बार ये कांग्रेस से चुनाव जीते थे, डेढ़ दो साल विधायक भी रहे, लेकिन एक भी सड़क कांग्रेस के सरकार में नहीं बन पाई, लेकिन जब सरकार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, शिवराज सिंह चौहान महामंत्री मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ नया अस्पताल बन रहा है, नए सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, नया सेंट्रल स्कूल बनाया जा रहा है, कन्याओं के लिए अलग महाविद्यालय बनाया जा रहा है, स्टेडियम बनाया जा रहा है और सड़कों की तो गिनती नहीं है। जितनी चुनाव में आपने कही थी उससे ज्यादा सड़कें अम्बा और कोरसे में मंजूर हो गई है कि नहीं हो गई बताओ, और जरा हाथ खड़ा करके बताओ हुई कि नहीं हुई। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से ही बही कि नहीं बही, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई ना। आज हम सब लोगों को यही विचार करने की आवश्यकता है और जनता के बीच में समझाने की जरूरत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विकास होगा और अगर कांग्रेस की सरकार रहेगी तो लूट धसोट और विनाश होएगा। हम सब विकास को चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। यह संदेश लेकर हमको
गरीब और किसान तक पहुंचना है। आज आप इस बात को भी भलीभांति जानते हो कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने आशीर्वाद देकर बनाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इसी के कारण धारा 370 खत्म हुई क्या नहीं हुई? हुई क्या नहीं हुई बताओ? धारा 370 खत्म करना चाहते थे ना आप सब लोग? वर्षों से नारा लगा रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो राम मंदिर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, तो आज राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? अब आने वाले कल में जो बचे हुए काम हैं वो भी मोदी जी के नेतृत्व में अपूर्ण सब लोगों को कर रहे हैं। मोदी जी के हाथ मजबूत हो और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बने, इस लक्ष्य की प्राप्ति हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर करनी है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ाना पड़ेगी, और नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ाना है तो नवंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाना पड़ेगी। आप सब लोग सरकार बनाने को तैयार हो गए नहीं? कौन कौन तैयार है जरा हाथ उठाओ। सीधे आपकी तरह बहुत लोग नहीं उठा रहे, सब तैयार है और इधर वाले भी तैयार है। अभी बहुत सारे लोगों के होते नहीं बीच में, जो जो तैयार है दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बांधो। आप मैं भाषण नहीं दूंगा, भाषण हम भूपेंद्र यादव जी का सुनेंगे। जरा मुट्ठी बांध के हम संकल्प